बहादुरगढ़ विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून का धुआंधार प्रचार जारी है। गांव में तो लगभग एक तरफा माहौल बनता नजर आने लगा है। दरअसल खाप के मांडोठी गांव में राजेंद्र जून का जबरदस्त स्वागत हुआ। गांव वालों ने ट्रैक्टर और ढोल नगाड़ों के साथ राजेंद्र जून का स्वागत किया, जयकारे भी लगाए गए। इसके बाद व्यापारी वर्ग सम्मेलन में बहादुरगढ़ के व्यापारियों ने भी राजेंद्र जून को समर्थन देने की बात कह दी है। व्यापारियों की एक ही मांग है कि उन्हें कामकाज के लिए सुरक्षित माहौल मिले। राजेंद्र जून ने भी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि जैसे पहले भूपेंद्र हुड्डा सरकार में बदमाशों का इलाज कर दिया था, ठीक उसी तरह बदमाशों को बहादुरगढ़ से बाहर फेंक दूंगा। आपको बता दें कि भूपेंद्र हुड्डा के पहले कार्यकाल में खौफ का पर्याय बने बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर कर सफाया कर दिया था। अब फिर से उसी तरह की कार्रवाई बदमाशों पर होने की लोग उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में जब मैं आया था, हमारे शहर का बहुत बुरा हाल था। व्यापारी लोग जो ना डरे हुए थे, धमकियां मिलती थी। चौटाला का राज था, चौटाला के राज में गुंडे बदमाश फिरौती मांगते थे, दुकानदारों से मांगते थे, फैक्ट्रियों से मांगते थे। तो वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सारा खत्म कर दिया था 10 साल के अंदर। और ये 78 साल की सरकार 9.5 साल यहाँ रही, और उसके बाद नायब सिंह सैनी आ गए 4 महीने पहले। 78 सरकार 9.5 साल में जो चौटाला साहब के टाइम पे था, वही जो है ना यहाँ रिपीट होने लग रहा है। मैंने आज व्यापारियों से रूबरू हुआ हूँ। व्यापारियों को मैंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार आ रही है। जो हमारे टाइम पर आपको 10 साल तक कोई तंग नहीं करता था, कोई आपसे फिरौती नहीं मांगता था, एक 10 साल शांति थी, वही हमारी सरकार आने बाद आप निडर होकर अपना काम कीजिए, हम आपके लिए देखभाल करेंगे। आप निश्चित रहिए, भादवर के अंदर बदमाशों को नहीं रहने दूंगा, बदमाशों को भेज दूंगा, जेल में भेज दूंगा, या बदमाश छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। राजेंद्र जून का चुनाव अब काफी मजबूत हो गया है। हर रोज उनको शहर में और गांव में लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार के पक्ष में माहौल का फायदा भी राजेंद्र जून को मिलता नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।